नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। चुनावी माहौल चल रहा है, पहले चरण का नामांकन हो गया है, तारीखें भी खत्म हो गई हैं, दूसरे चरण और तीसरे चरण के नामांकन भी शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ चुनावी सभाओं का दौर जारी है और ऐसे में पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं अब जनता के बीच जा रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं और उन्हें जो है लुभाने की कोशिश कर रही हैं, उनसे वोट मांग रही हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत दे करके जो है उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें वो जिता करके विधानसभा भेजे। इसी कड़ी में जो है सुशील कुमार मोदी रोहतास के काड़ाघाट जिला पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने जो है यहाँ पर जनता को संबोधित भी किया और खास तौर पे राजद को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि राजद दागियों को जो है टिकट दे रही है, दागियों को टिकट नहीं भी दे रही है तो उनके परिवार वालों को किसी तरीके से टिकट दे करके विधानसभा भेजने की फिराक में लगी हुई है। सुनिए सुशील कुमार मोदी को। हमारे राज में बच कर नहीं जा सकता है, इसलिए आज न कल लेकिन राष्ट्रीय जनता दल बताए नवादा में उसने किसको टिकट दिया है। सुन लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल ने राजवल्लभ यादव जो रेप का सजा याफ्ता है उसकी पत्नी को टिकट देने का काम किया है। अरुण यादव जो एक नाबालिग से रेप का आरोपी है, फरार है, उसको टिकट देने का काम किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल तो बलात्कारियों की पार्टी है और चिंता मत कीजिए, कोई बच कर नहीं जाएगा हमारे। तो आपने सुशील कुमार मोदी को सुना जिन्होंने साफ तौर पे यही बात कही है कि दागियों को जो है राजद टिकट दे रहा है। हालांकि जो बक्सर में जो मामला हुआ है महिला के साथ, उस मामले पर भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि इस पूरे मामले में जो गुनहगार हैं वो बचेंगे नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। नमस्कार।